इंदौर के विजयनगर पुलिस ने एक युवक पर चाकू से हमला करने वाले 3 बदमाशों को पकड़कर उनका क्षेत्र में जुलूस निकाला। पुलिस ने सभी बदमाशों की पिटाई भी की ताकि आम लोगों में गुंडों का खौफ कम हो। वहीं बदमाशों को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आपकी टी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये बदमाश बीते दिन हुई चाकूबाजी के आए बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोप निकाला। तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले उनका इलाके में जुलूस निकाला और सभी बदमाशों को रोड पर पीटा। वहीं पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। अब पुलिस बदमाशों के पुराने रिकॉर्ड तलाश कर रही है। बिल्कुल सवा 3 लोगों द्वारा एक राहगीर जो दूध लेने जा रहा था, तो उसको पहले कट लगा तो उसने बोला गाड़ी ठीक से चलाइए। इस बात को लेकर ये पलट के आए और उन्होंने उसको बेवजह चाकू मार दिया। इस तरह से सड़क चलते राहगीर को चाकू मार देना, सौभाग्य था कि उसको गहरी चोट नहीं आई, सुपरफिशियल था और उसको धमकाया भी इन्होंने। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चंद घंटों में ही इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी महोदय भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रकरण की मॉनिटरिंग की, तो इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और चूंकि इनके पास चाकू मिले थे तो इन सब के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की। इंदौर से सतीश शर्मा की।